राम राम प्रधान जी। राम राम जी। तो प्रधान जी सामदो गांव वाले ने मिलकर कसुत्ता स्वागत कराया है और जड़े भी जाओ पूरा मान सम्मान मिलने लग रहा है, तो की कहना चाहो सामदो वाले के बारे में? सामदो गांव ने जो आज सामूहिक तौर पे जो इतना मान सम्मान प्यार और आशीर्वाद दिया है, सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा, पूरे गांव का, 36 बिरादरी का, और एक विश्वास दिलाना चाहूँगा जो मान सम्मान की ये पगड़ी मेरे सिर पर रखी है, जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस है इस पगड़ी की लाज रखूँगा, इस पगड़ी को झुकने नहीं दूंगा इनकी को। और ये एहसान जो पूरे गांव ने इतना प्यार प्रेम दे के मेरे ऊपर किया है, पूरे जन्म एहसानमंद रहूंगा इनका और कोशिश करूंगा, अगर इनके आशीर्वाद से परमात्मा ने वो समय दिया, ये एहसान उतार तो मैं नहीं सकता, लेकिन एहसान के बदले कुछ न कुछ जो मेरे पे बन पड़ेगा इस पूरे समद गांव के लिए मैं अपने जहन में रखूँगा इनका जो एहसान है, और कुछ न कुछ इस समद गाँव के लिए करने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। प्रधान जी, जिस प्रकार से आप लोगों को मिलने लग रहे हो, सारे का मन जान लग रहे हो, और ऊपर तो इतनी गर्मी है, तो घटना तो चाहिए वजन, लेकिन आपका वजन बढ़ने लग रहा है, की बात है? निश्चित तौर पे पहले दिन जब मेरे को तोला गया तो 82 किलो वजन था, और कल जब मंडी में तोला गया तो 84 किलो वजन हो रहा था। जो इन लोगों का इतना प्यार मान सम्मान, और आज इंसानियत जिंदा है, वास्तव में जमीर है इन लोगों के जहन में, इनके दिल में, क्योंकि जो ज्यादती मेरे साथ पार्टी ने की है और नेताओं ने की है, क्योंकि पिछले 25 साल से मैं इनके बीच में हूँ, जो नाइंसाफी मेरे साथ हुई है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में वो नेता मेरे से मजबूत थे जिन्होंने मेरे अधिकारों पर डाका डाला है, वो डाका इसलिए डाला है क्योंकि मैं एक साधारण परिवार का बच्चा था, और जिन्होंने मेरे हकों को छीना है, मेरे साथ नाइंसाफी की है, वो राजे रजवाड़े हैं, उनके दादा मंत्री था, बाप मंत्री था, और खुद भी अब वो MP है, तो वो राजशाही का एक उनका चला आ रहा है। लेकिन अब लोगों ने जब मैं समाज के बीच में आके जब मैंने अपनी समाज के सामने अपनी व्यथा बताई है, तो पूरे समाज ने और 36 बिरादरी ने ये जिम्मा ले लिया कि जो नाइंसाफी हमारे बेटे के साथ दिल्ली में हुई है, उस नाइंसाफी का बदला यहाँ उचाणा की जनता लेकर के रहेगी, और उन नेताओं को जो नेता कि अपनी जागीरदार जागीर समझते हैं इस उचाणा को, जिन्होंने इस उचाणा को कैद कर रखा राजनीतिक रूप से, किसी भी आम परिवार के बच्चे को जो आगे नहीं बढ़ने देते, तो ये नेताओं ने इस जनता की 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि आगे राजनीति करेंगे तो आम परिवारों के बच्चे राजनीति करेंगे और राजघरानों को मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधान जी, आपको अड़ दिया गया है, जो किसान का प्रतीक है, तो किसी उम्मीद से भी आता उस उम्मीद पर खरे उतर पाओगे? निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, मैं किसान हूँ, मैंने अपने हाथ से सारे किसानी के काम खुद करे हुए हैं, अड़ का मुठा भी मैंने पकड़ा हुआ है, कसोला भी मैंने चलाया हुआ है, गेहूं भी मैंने काटी हुई है, चने भी मैंने झारे हुए हैं, कपास भी मैंने चुकी हुई है, गेहूं की पांथ भी तारी हुई है, तो मैं किसान का बेटा हूँ, आज भी खेती करते हैं। तो और जो मेरे को ये अड़ दिया है, इस अड़ का मान सम्मान मैं पूरी उम्र रखूँगा, और किसानी के लिए जब तक मेरे शरीर में सांस है लड़ता रहूँगा हमेशा। ऐसा कोई भी मेरे रहते हुए विधानसभा में अगर मैं पहुँचा तो ऐसा कोई भी कदम विधानसभा में उठने नहीं दूँगा जो मेरे किसान के खिलाफ होगा। प्रधान जी, अभी 15-20 दिन बाकी है, आपका वजन 100 तो पार तो नहीं चला जाएगा। जितना प्यार और समर्थन मिल रहा है, तो वजन तो पता नहीं, हौसला मेरा 100 के पार जरूर चला जाएगा। अच्छा, राम राम तऊ। राम राम बेबे। तो आज सामदो गांव ने पूरे ने मिलकर मान सम्मान करे। हां, सारा सच्चे जात ने बेबे। तो मतलब मान सम्मान के रूप में के भेंट कराया है? एक कॉल कराया जी, और 61,000 रुपए कराया जी, पगड़ी पहनाई है, फूल माला से सम्मान कराया। मतलब पूरे गांव का सही हो गया। हमारा कहने का मतलब है, वीरेंद्र गौड़िया अकेला नहीं है, हम पूरा गांव है, इसके साथ आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं भाई साहब।
ठीक है नी, देख ले, कोई घबराने की लोड़ नहीं है। अरे भूल जा तुम बात में, चिंता ना करो जी, पूरा वो मेरा काम मत जिता के भेजा भाई ने। तो सर आप भावुक हो गए? ऐसा है तो यू यू क्या सारे मतलब दो तरह की भावुकता है, एक तो खुशी की भावुकता है जो इतना प्यार मेरे को मिल रहा है, एक तो वो भावुकता है, दूसरी भावुकता ये भी है कि जो नाइंसाफी मेरे साथ हुई है पिछले 24 साल से जो मैंने पार्टी के लिए किया है, अपना सब कुछ न्योछावर पार्टी के ऊपर कर दिया था, लेकिन वहाँ बड़े बड़े राजघराने वहाँ बैठे हैं, एक साधारण परिवार के बेटे के साथ जाती रही है, इसलिए मैं भावुक हो जाता हूँ कि ये मेरा किसान ये गरीब आदमी कब तक पिसता रहेगा, कब तक इनके बच्चे ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे। मेरे से पहले भी अनेकों सैकड़ों किसानों के बच्चे राजनीति में बर्बाद हो चुके हैं और अब मैं हूँ, लेकिन मुझे अब पूर्ण विश्वास है कि अब ये जनता, ये आम किसानों, ये परिवार अपने बेटे को बर्बाद नहीं होने देंगे, अब की बार ये अपने बेटे के साथ खड़े होंगे। प्रधान जी के वाले दिखा देंगे कि वोट पार्टी और इंसान को दी जाती है। मतलब किसी पार्टी को नहीं, इंसान को वोट मिलेगी निश्चित तौर पर। अब की बार चेहरे को वोट मिलेंगी, अब की बार इनके अपने बेटे को वोट मिलेगी, जो 24 घंटे पिछले 24-25 साल से समाज के बीच में रह रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, उसको ये लोग वोट देंगे। जो पार्टियां, जिन पार्टियों ने इनके साथ धोखा किया, जिन नेताओं ने इनके साथ धोखा किया है, उन नेताओं को सबक सिखाने का काम करेंगे। आज इनके सामने दो तो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, एक तो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे निशान, चुनाव निशान पे चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरा अभी अभी बीजेपी में बीजेपी से आया है, लेकिन कांग्रेस में आने के बाद भी बीजेपी की मदद करी है लोकसभा में उस आदमी ने, और उस आदमी ने जो कांग्रेस का सिंबल लेकर आया है, किसानों के साथ भी गद्दारी करी है, नौजवानों के साथ भी गद्दारी कर रखी है उस परिवार ने, क्यों हजारों की संख्या में आज बेरोजगार उचाणा के अंदर है, प्यासे खेतों के साथ गद्दारी कर रखी है, पिछले 45-47 साल से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, अनेकों मंत्री पद उन्होंने उनका भोगे है उनको, लेकिन आज मेरे क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा नहरी पानी से तरसता है, पीने के पानी से तरसता है, अनेकों ऐसी कमियां हैं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, सिर्फ बिल्डिंग खड़ी है, डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं हैं, तहसील में 6-6 महीने तहसीलदार नहीं बैठते, कोई पूछने वाला नहीं, ऐसे ही मेरे किसान भाई चक्कर काटते रहते हैं, किसी ने फर्द लेनी है, किसी ने रजिस्ट्री करवानी है, 6-6 महीने वो चक्कर काटते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो इनके साथ जो जातियाँ हुई हैं, उन जातियों का बदला अब लिया जाएगा, वो समय आ गया। प्रधान जी चुनाव चिन्ह क्या आया है? चुनाव चिन्ह रोड रोलर मिला है, जिसने गिरड़ा कहा ठीक है, और अब ये जनता सभी पार्टी और सभी नेताओं के ऊपर गिरड़ा चढ़ाने का काम करेगी। तो भाई उचाणा हल्का के चाह रहे आप फिलहाल है सामदो गांव में, जो उचाणा हल्के का गांव है, और उचाणा हल्का की अगर बात करें तो चुनाव की पूरी गर्मा गर्मी है, पूरे की जोर अजमाइश चल रही है, सारे कैंडिडेट मैदान में है, तो चुनाव में क्या होने वाला है, तो उचाणा हल्के भी आले भी अपनी राय जरूर रखे भी किसका माहौल चल रहा है, कौन जीतेगा, कोई पार्टी का जीतेगा या फिर कोई निर्दलीय जीतेगा, तो जरूर बताइयो और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करियो।